बारिश का तांडव जारी। यमुनोत्री हाईवे पर तगड़ा लैंडस्लाइड। पहाड़ी जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिस वजह से तबाही के मंजर जगह जगह से देखने को मिल रहे हैं। बारिश के बीच जहां चार धाम यात्रा जारी है, वहीं यात्रा इस वक्त धीमी पड़ गई है। लगातार हो रहा लैंडस्लाइड यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अनेक हिस्सों में लगातार बारिश होने से जिलावासी परेशान है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बारिश के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास आए दिन बंद हो रहा है, जिस वजह से हाईवे से गुजरने वाले स्थानीय यात्री और स्कूली छात्रों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हाईवे खोलने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड के कर्मियों द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से बार बार का भूस्खलन नासूर बनकर चुभ रहा है। करीब 200 मीटर का यह हिस्सा हल्की बारिश होने से ही पहाड़ी से आ रहे मलबा और पत्थरों से बंद हो जाता है। शुक्रवार की रात हुए हल्की सी बारिश ने ही पहाड़ी से भर भरा कर मलबा और पत्थर हाईवे पर आ गया, जिस वजह से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। मार्ग खोलने के लिए बुलडोजर हाईवे पर लगा हुआ है और इस रास्ते सफर करना इस वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। कभी भी पहाड़ी से भूस्खलन के रूप में पत्थर और मलबा नीचे आ सकता है। ऐसे में हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। इस बार की मानसूनी बारिश ने शुरुआत से ही तबाही के मंजर दिखाना शुरू कर दिया था, जो कि अभी भी जारी है। बार बार का भूस्खलन चार धाम यात्रा पर भी बुरा असर डाल रहा है। फिलहाल हाईवे को साफ कर दिया गया है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड, ताक।